हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ई इनवाइस कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोग तो ये जानेंगे कि जिन कंपनी का जिन फर्म का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ई इनवाइस कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाउचर खोल लेंगे। वाउचर में आने के बाद सबसे पहले इनवाइस नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट और फिर पार्टी का नाम। डेट बैक डेट में कोई भी इनवाइसिंग इसमें नहीं होती है। उसके बाद जो भी जीएसटी नंबर, अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट किया जाएगा। पिन नंबर नहीं है तो फिर पिन नंबर डाला जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी स्टॉक है वो लेंगे। अगर जीएसटी नंबर अपडेट नहीं है तो ई इनवाइस जनरेट नहीं होगी। स्टॉक की डिटेल डालने के बाद यहाँ पे हम सिल्वर ऑर्नामेंट सेलेक्ट किया है तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ती है रेट वगैरह की। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर कोई भी इनवाइस जनरेट हो जाती है तो कैंसिल नहीं की जाती है। वैसे नियम है 24 घंटे के अंदर कैंसिल करने का, लेकिन वैसे की नहीं जाती है। उसके बाद यहाँ पे एस कर देंगे। इसमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे पास पासवर्ड पहले से पड़ा हुआ था इसलिए यहाँ पे हमने पासवर्ड नहीं डाला। अदरवाइज यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड पड़ता है, जब यहाँ पे ई जनरेट इनवाइस करने का ऑप्शन देता है। बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। यहाँ से देखिए बार कोड आ गया है, ई इनवाइस में बार कोड आ जाता है, नॉर्मल इनवाइस में बार कोड नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू।